हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, तो आज है संडे और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो आप सब देख लीजिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो पहले मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं की है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स। तो चलो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोहा बनाने के लिए। तो पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ और साइड में मैंने चाय को भी उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पहले मैं पोहा बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता कंप्लीट हो गया था। मितांश के पापा भी शॉप पे चले गए थे। उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। और पोहे बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, तो हम सब ने वही चाय नाश्ता कर लिया। तो यहाँ पे पहले मैं घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में मैं अब लंच बनाने के लिए। और मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग का जो भी काम था मेरा कंप्लीट हो गया है। और जो क्लीनिंग का काम है वो सुबह में जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है, फिर बाद में अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो फिर धूप निकल आती है तो काम करने में मज़ा नहीं आता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना पसीना हो जाते हैं सब। और सभी को ही गर्मी लगती होगी। तो यहाँ पे 11 बज गए हैं और मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन वो सब कंप्लीट कर दिया है। और कपड़े भी मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे वो भी मुझे धुल गए हैं, तो मुझे सुखाने हैं क्योंकि आज संडे था तो देरी हो गई कपड़े डालने में। सभी लेट से उठे और लेट से सब नहाए थे, लेकिन फिर बाद में जो झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे तो मेरे धुल गए हैं, तो मैं बाद में सुखा दूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं लंच बना लेती हूँ। और लंच में भी आज बनाने वाली हूँ गुजराती दाल ढोकली, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। और आज हमारा लंच सिंपल सा ही रहने वाला है, गुजराती दाल ढोकली, साथ में थोड़े से चावल बनाऊँगी और जो आटा बच जाएगा ढोकली का उसका मैं भाखरी बना लूँगी। तो आज यही है हमारा लंच फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ गुजराती दाल ढोकली, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर मसाले डाल के ढोकली के लिए जो आटा तैयार करना होता है मैं पहला वो आटा तैयार कर लूँगी। तो इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो रेगुलर मसाले आते हैं वही डाले हैं। तो पहले मैं और ढोकली के लिए आटा तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दाल अच्छे से गली है या नहीं गली हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से गल गई है और इसमें मैं सारे मसाले कर दूँगी। तो इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जिसको पसंद हो डाल सकता है, लेकिन मैं डालूँगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दाल में मैंने सारे मसाले करके उबलने के लिए रख दिया था, तो इसमें अच्छे से उबल आ गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बेल दूँगी, जो आटा मैंने तैयार करके रखा था, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से बेलना है। तो यहाँ पे मोटे मोटे मैं 2 से 3 रोटी बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं कट करके डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो ढोकली बना के डाली है कट करके, उसके बाद मैं फाइनल में तड़का लगाऊंगी क्योंकि इसमें लास्ट में ही तड़का लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में तड़का लगा दूंगी, उसके बाद मैं कुकर बंद करके 2 सीटी आने तक उसको पका लूंगी। तो यहाँ पे मेरा तड़का कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक अच्छे से पका लूँगी। Thank you.
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी दाल ढोकली बन के रेडी हो गई है। तो इसमें मैं लास्ट में डाल दूँगी हरा धनिया, और बहुत अच्छी बनी थी खाने में। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल भी जो भी नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।